दोस्तों मैं आज आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं। करवा चौथ का व्रत पत्नियों के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला एक विशेष पर्व है यह महिलाओं के अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो इस प्रकार है यह व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक द्विज नाम के ब्राह्मण के साथ बैठे थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी वीरावती विवाहित थी और वह अपने पति से दूर रह रही थी तो वह प्रतिदिन रात्रि को को पति के पति को चंद्रमा के रूप में देखकर ही अपना भोजन ग्रहण करती थी एक बार उसे बहुत जोरों के भूख लगी और उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उनके भाइयों ने पीपल के पेड़ पर पे एक लालटेन जला दिया और कहा कि चंद्रमा आ गया है तो चांद के दर्शन करो और भोजन ग्रहण करो विरावती ने ऐसे ही किया और जैसे ही विरावती ने पहला कौर मुँह में डाला उसके मुँह से में एक बाल आ गया दूसरे कौर में छींक आ गई वहीं तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया विरावती जैसे ही ससुराल पहुंची तो वहां पर उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था पति को देखकर कर विरावती विलाप करने लगी तभी इंद्राणी आई और वीरावती को बारह माह की चौथ व चौथ का व्रत करने को कहा वीरावती ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से बारह माह की चौथ व चौथ का व्रत रखा जिसके प्रताप से उसके पति को पुनः जीवन मिल गया अतः पति की दीर्घायु के लिए ही महिलाएं पुरातन काल से करवा चौथ का व्रत मनाती हैं चौथ के व्रत में कुछ रस्मों के बारे में मैं आपको बता दूं। विवाहित महिलाएं सूर्योदय होने से चंद्रमा निकलने तक व्रत रखती हैं महिलाएं सूर्योदय होने से पहले जो भोजन कहती हैं उसे सर्गी कहते हैं सर्गी खाने के बाद महिलाएं पूरा दिन कुछ नहीं खाती न कुछ पीती हैं इस दिन महिलाएं एकत्रित एक होकर हाथों पर मेहंदी लगाती हैं एवं विशेष श्रृंगार करती हैं व्रत में ख्याल रखने योग्य कुछ बातें इस प्रकार हैं सर्गी खाते समय ज़्यादा हेल्दी खाना खाएँ और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियें व्रत खोलने के बाद ज़्यादा भोजन का सेवन न करें अगर आपका कोई ट्रीटमेंट या दवाइयाँ चल रही हों तो व्रत न रखें व्रत में कोई एक्सरसाइज ना करें इससे शरीर में कमजोरी आ सकती है इसके अलावा कुछ सामाजिक फिल्में भी हमारे बीच एक गहरा छाप छोड़ती है अगर आपको याद होगा एक सुपरहिट फॉल फिल्म आई थी बॉबी उस समय की लड़कियों के यह इतनी प्रचलित हुई थी कि बॉब हेयर स्टाइल बन गया था अखियों के झरोखों से की मूवी ने कैंसर के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई थी जय संतोषी माँ ने घर घर में माँ संतोषी की पूजा शुरू कर दी और माँ संतोषी को घर घर की देवी बना दिया हम आपके हैं कौन से बनारसी साड़ियों का क्रेज कुछ इस तरह बढ़ा कि जगह जगह पर हर शादी ब्याह में बनारसी साड़ियों का उपयोग होने लगा इसी प्रकार अगर आपको याद होगा दिलवाले वाले ले जाएंगे इस मूवी में सिमरन का करवा चौथ आपको याद होगा यह या सीन इतना लोकप्रिय हुआ इतना लोकप्रिय हुआ कि करवा चौथ किसी एक या दो स्टेट का राज्य का पर्व नहीं रह गया ये पूरे भारतवर्ष का पर्व हो गया और इसे पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जाने लगा दोस्तों आशा है आपको यह विशेषांक पसंद आया होगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहीं मिलती रहें बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई धन्यवाद